और ये स्थापना तो पांडवों के समय से है। यहाँ पर कोई भी हम लोग ऐसे ही भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, सभी भक्त लोग। विदिशा जिले के पठारी में श्री करेली धाम पांडवों की तपी भूमि है। अज्ञात वनवास के दौरान पांडवों ने क्षेत्र में कई स्थानों पर अनुष्ठान किए हैं। इसी दौरान पांडवों ने श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा कर उनके साथ हुए अन्याय और अत्याचार षड्यंत्र के खिलाफ गुहार लगाई थी। तभी से श्री करेली धाम के श्री हनुमान जी न्यायाधीश के रूप में पूजे जाते हैं। नगर के ऐतिहासिक प्राचीन तालाब के समीप पांडवों ने अज्ञात वनवास के दौरान श्री करेली धाम की स्थापना की थी। अन्याय अत्याचार और षड्यंत्रों से पीड़ित पांडवों ने श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा कर साधना की। इसमें महाभारत में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री करेली धाम के पुजारी श्री सत्यनारायण जी महाराज एवं अजय सिंह ठाकुर ने बताया कि पांडवों ने अपने अज्ञात वनवास के दौरान क्षेत्र में कई स्थानों पर विशेष अनुष्ठान तपस्या और साधना की है। इसमें सर्वश्रेष्ठ सिद्ध स्थल श्री करेली धाम माना जाता है। पांडवों ने ग्राम बडो में 20 भुजाधारी पश्चिम मुखी श्री महामाई की स्थापना की। वहीं ज्ञान नाथ पर्वत पर शिवलिंग स्थापना कर साधना पठारी के समीपस्थ रिमझिरिया में श्री हनुमान जी की स्थापना कर समीप और पीपल के वृक्ष पर अपने शस्त्र रखे। सरपंच देवेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि श्री करेली धाम हिंदू जैन और मुस्लिम सभी वर्ग समुदाय का आस्था केंद्र है, जहां पर लोग माथा टेक कर न्याय की गुहार लगाते हैं। श्रद्धालु श्री करेली धाम के हनुमान जी को न्यायाधीश के रूप में मानते हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। सिद्ध क्षेत्र करेली धाम श्री 8 साल से यहाँ पर लगातार अखंड जोत चल रही है और सभी भक्तों की भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं और सभी भक्त हमारे यहाँ आते हैं। बहुत दूर दूर से भगवान भक्त आते हैं यहाँ पर। गुरु जी, मैंने यहाँ सुना है कि यहाँ सर्वधर्म के लोग आते हैं। सर्वधर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, भगवान पूरी करते हैं। बिल्कुल ऐसा है, ऐसा बिल्कुल सत्य है, प्रमाण है। हमारे जो राम के हैं उनके लिए भगवान ने आराम दिया था, 5 साल और भगवान ने उनको अच्छी बैठा दिया। यह बहुत सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, माथा टेकने आते हैं और प्रत्येक हनुमान जयंती पर यहाँ महोत्सव मनाया जाता है और जिसमें सभी जाति वर्ग के लोग शामिल होते हैं और माथा टेकने आते हैं। माना जाता है कि ये महाभारत काल के यहाँ स्थापना की गई है और जिनका पूरा शरीर दक्षिण दिशा में है, केवल उनका मुख केवल पूर्व दिशा की ओर है, जो अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर दक्षिण की ओर जा रहे हैं और ये शत्रु नाशक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ न्यायाधीश के रूप में माने जाते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई विवाद या किसी भी प्रकार की कोई अड़चन होती है तो लोग यहाँ गुहार लगाकर न्याय मांग लेते हैं और उनको न्याय मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि पांडवों ने आकर यहाँ गुहार लगाई थी, उन्होंने यहाँ स्थापना की थी और उनको महाभारत में विजयश्री यहीं के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी।